नमस्कार, मैं हूं तमन्ना। आप देख रहे हैं ओके क्रेडिट। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास सीरीज में जो कि सिबिल स्कोर से जुड़ी हुई है। ये सीरीज शुरू करने का मकसद हमारा यही था क्योंकि लगातार सिबिल स्कोर से जुड़े हुए हमारे पास क्वेरीज आ रही थी। तो एक वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं जिसके जरिए हमने उसकी कुछ बेसिक जानकारी आपको देने की कोशिश की है। अब ये दूसरा वीडियो है, इसको भी ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें हम एक स्टेप आगे बढ़े हैं और आपकी क्वेरीज थी कुछ, वो हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो अंत तक देखेंगे तो आपकी क्वेरी आपको जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी। कोई सवाल है जुड़ा हुआ सिबिल स्कोर से तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अंत तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और प्लीज़ हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा ही कीजिएगा, और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो सिबिल स्कोर मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, क्यों ये निर्धारित करता है कि आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, क्यों, कैसे और किस तरह से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो के जरिए देखिए। सिबिल स्कोर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। सिबिल स्कोर क्या होता है, सिबिल स्कोर का निर्धारण कैसे होता है, सिबिल कैसे काम करता है और इसकी भूमिका क्या होती है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सिबिल स्कोर होता क्या है। आसान भाषा में समझा जाए तो सिबिल स्कोर एक स्कोर होता है। जैसे आप कोई गेम खेलते हैं तो आपको आपकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से अच्छे नंबर्स मिलते हैं और उससे आपका एक अच्छा स्कोर बनता है। तो इसी तरह से जब आप फाइनेंस में कोई लोन लेकर उसकी अदायगी समय पर करते हैं तो आपकी इस एक्टिविटी से स्कोर बनता है जो सिबिल स्कोर में कन्वर्ट होता है। सिबिल स्कोर से जुड़ी रोमांचक जानकारियाँ जो सिबिल स्कोर समझने में आपकी मदद करेंगी। सिबिल स्कोर वो संख्या है जो ये निर्धारित करती है कि लोन दिया जाना चाहिए या नहीं। ट्रांस यूनियन सिबिल लिमिटेड भारत के पहली क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी है जिसे सामान्य रूप से क्रेडिट ब्यूरो भी कहा जाता है। इसका काम उपभोक्ताओं के बारे में ऐसी जानकारी उपलब्ध करना है जिसके माध्यम से कंपनियों का व्यापार तेजी से आगे बढ़े, उपभोक्ताओं को बिना किसी रुकावट के जल्दी और आसान शर्तों से ब्याज मिल सके। ट्रांस यूनियन सिबिल लिमिटेड कंपनी के पास तकरीबन 2400 से अधिक सदस्य हैं जिनमें बड़े बड़े बैंक, वित्तीय कंपनियां, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां शामिल हैं। साथ ही इस कंपनी के पास 550 मिलियन से अधिक व्यक्तियों और वित्तीय संस्थाओं के क्रेडिट रिकॉर्ड हैं, जिनके माध्यम से वित्तीय संस्थाएं ये निर्णय लेती हैं कि आपको लोन देना ठीक होगा या नहीं। सिबिल स्कोर का निर्धारण कैसे होता है, कैसे पता चलता है किस उपभोक्ता का स्कोर अच्छा है या खराब। स्कोर बनाने के लिए कंपनी पेचीदा एल्गोरिथम का इस्तेमाल करती है जिसमें जिस व्यक्ति ने लोन लेने की इच्छा जताई है उसकी 6 महीने की पहले की रिपोर्ट देखी जाती है, उसके फाइनेंशियल डेटा का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जैसे समय पर लोन की अदायगी, क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान आदि को ध्यान में रखते हुए उसके लिए स्कोर निर्धारित किया जाता है। आपको बता दें, किसी व्यक्ति का स्कोर अच्छा तभी हो सकता है लोन लेने वाला व्यक्ति समय से अपने लोन की किश्त भरता हो, अपने क्रेडिट कार्ड का भुगतान समय पर करता हो। ध्यान रहे, इस स्कोर में आपकी बचत, निवेश या फिक्स डिपॉजिट का ब्यौरा शामिल नहीं होता है। सिबिल कैसे काम करता है और इसकी भूमिका क्या होती है। यदि आपने लोन के लिए अप्लाई किया है तो आपके फाइनेंशियल डेटा को देखा जाता है कि आपने कभी लोन लिया या क्रेडिट कार्ड लिया, फिर आपके टाइम पर लोन भरने और आपके क्रेडिट कार्ड के भुगतान के रिकॉर्ड्स को बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा मासिक आधार पर सिबिल के पास जमा किया जाता है। इस जानकारी का उपयोग करके क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट तथा क्रेडिट स्कोर बनाया जाता है। आपको बता दें, इस जानकारी के बदौलत ही कर्जदाता ये लोन आवेदनों का मूल्यांकन और स्वीकृत प्रदान करते हैं। सिबिल स्कोर लोन आवेदन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्रेडिट ब्यूरो को RBI द्वारा अनुमोदित किया गया है और इसे क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2005 द्वारा चलाया जाता है। आवेदक द्वारा लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन पत्र भरने और उसे कर्जदाता को सौंपने के बाद कर्जदाता पहले आवेदक की क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट की जाँच करता है। यदि क्रेडिट स्कोर कम है तो कर्जदाता आवेदक की याचिका को उसी क्षण अस्वीकृत कर देता है। यदि क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो कर्जदाता उसे क्रेडिट देने यानी कि लोन देने पर विचार करता है। ध्यान योग्य बात यह है कि यदि स्कोर जितना अधिक होगा लोन स्वीकृति होने की संभावनाएं भी उतनी अधिक होती हैं। कर्ज देने का निर्णय केवल कर्जदाता पर होता है, लोन या क्रेडिट कार्ड स्वीकृत हो ना हो इस पर सिबिल कोई फैसला नहीं करता। आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिबिल स्कोर के बारे में कि आपका सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए और इसे आप कैसे सुधार सकते हो। तो जुड़े रहें हमारे इस सीरीज में।
तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिला होगा। ये हमारा सिबिल स्कोर से जुड़ा हुआ दूसरा वीडियो था। अगले वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और सिबिल स्कोर के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देंगे। लेकिन बार बार मैं यही कह रही हूँ कि कोई भी क्वेरी है सिबिल स्कोर से जुड़ी हुई या कोई भी सवाल है किसी भी चीज़ को लेकर बिजनेस से जुड़ा हुआ, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।